हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी और सुबह हम जाके आ चुके हैं। वहाँ लेगो इवेंट था जो पहले हुआ था, और आज उसके बाद एक वाइल्ड एनिमल वाला इवेंट भी है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स लेके आएंगे ये लोग लाइब्रेरी में, मज़े आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से ये लोग बताएंगे। धूप बहुत है लेकिन हवा अच्छी चल रही है तो मज़े आ रहे हैं, मौसम अच्छा लग रहा है। तो ये लोग दोनों एक जू से आए हैं और ये अभी यहाँ टर्टल बता रहे हैं। So it's kind of scaly, and that is common in many different ago. They are an extinct animal, but this was a snake that was about 50 feet in length. ये या तो स्नेक का स्किन है रियल, या फिर कोई कपड़ा है उससे बच्चों को पकड़ा के ये बता रही है कि स्नेक इतने लंबे भी हो सकते हैं, और ये एक रियल स्नेक इसके हाथ में है। If you would like to study the pharaohs in Egypt, during that time, of the time of the pharaohs, this was actually the snake of choice. ये दूसरा जो एनिमल है ट्रेनर के पास, ये बोल रही थी ये स्नैक नहीं, ये कोई और ही है, कोई रेप्टाइल होगा। और फिर ये एक पैरट दिखा के आई थी, पैरट को इन लोगों ने अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, तो लास्ट में पैरट कुछ बोल के भी दिखाएगा। तो ये इवेंट हो गया है खत्म और अब हम जा रहे हैं घर। चेरी को यहाँ का डोर खोलने में ना बहुत मजे आते हैं, और पूरे 15 दिन से मैं देख रही हूँ ये रोड का काम चल ही रहा है और ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। और ये एक बाइक, आजकल इंडिया जैसी बाइक भी हमको यहाँ दिखने लगी है। भाई ये जो मलबेरी है, जो शहतूत है, ये गिर रहे हैं लेकिन कोई खा नहीं रहा इनको। अभी इंडिया में होता ना तो पेड़ से सारे फ्रूट्स उतर चुके होते, सारे शहतूत खा चुके होते लोग, कोई इनको खा नहीं रहा, घर आ गया गया। क्या हुआ आज? मैं इसका स्विमिंग सूट ओनली यही वॉश करना था, तो आज पहली बार मैंने बाहर सुखाया है। बाकी कोई भी यहाँ बाहर सुखाता नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं देखा, सारे कपड़े ड्रायर में ही सुखाते हैं बाहर। शायद जिनके इंडिविजुअल हाउसेज होते होंगे वो लोग सुखाते होंगे, लेकिन ये अपार्टमेंट है, इसको कॉन्डो भी बोलते हैं, यहाँ कोई नहीं सुखाता है। आके चेंज कर लिया है और आज बनाए थे मैंने चने। सब जल्दी से रोटी बनाते हैं फिर खाना है। अभी 3 बज चुके हैं और 4:30 बजे इसकी निंजा वाली क्लास है और उसके पास स्विमिंग, तो बहुत बिजी दिन होने वाला है हमारा आज। चलो बाहर में बैठो। तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल, मारवी की क्लास है और फिर भी ये पानी में नहीं गई। तो फिर आज हम लोग एक पूल में गए थे जो हम मेरी फ्रेंड है उसके अपार्टमेंट में है, तो फिर आज थोड़ी अंदर गई है और मैंने इसको थोड़ा ट्राई करवाया। आज देखते हैं ये फिर जाती है या नहीं पानी के अंदर। फिर ना हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लाइब्रेरी होता है, इसका माइजिम होता है, फिर हमने ये स्विमिंग स्टार्ट किया है। अभी तो ये 10 दिन ही है, हम देखते हैं फिर से कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो हम पता नहीं दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, कहीं से आएंगे हम फिर घर के कपड़े पहनते हैं फिर बाहर के कपड़े पहनते हैं, तो पूरे दिन भर हमारा यही चलता रहता है। और फिर इसके बाद हमने चेरी को प्रॉमिस भी किया है आइसक्रीम खाने के लिए। चेरी खाना है आइसक्रीम? यस। तो आज लड़की अगर अंदर जाएगी तो फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है मारवी? पानी के अंदर जाओगी तो आप आइसक्रीम खाओगी। और ये जो स्विमिंग क्लासेस है इनके जो चार्जेस है वो बहुत कम है, ये ओनली $49 है 10 दिन के लिए, मतलब $49 कम नहीं होते लेकिन यहाँ के हिसाब से ये काफ़ी कम है। और कंटिन्यूस स्टैंडर्ड क्लास है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे हमेशा 1 डे अ वीक ही होती है। तो बस ये हाई स्कूल में जो लास्ट टाइम हम आए थे स्क्रीनिंग के लिए, तो वही पूल है और हमने इंडोर ही चूज़ किया है क्योंकि कभी बारिश आ रही है या पानी कभी ठंडा है। हाँ यहाँ गर्मी में भी पानी ठंडा होता है स्विमिंग पूल के अंदर, तो वो इशू थोड़े रहते हैं।
तो आ गया है हमारा ये हाई स्कूल और इसका जिमनास्टिक वाला पार्ट अलग है, उसके अंदर पूल है, तो फिर हम अंदर चलते हैं। ये ग्लास्टनबरी हाई स्कूल आ गया है जहाँ पर पूल है और ये उसका पार्किंग है, उधर स्कूल है, यहाँ जिमनाजियम है और ये उसका पूल है। ये काफ़ी बड़ा पूल है और दो चेयर लगा के दिख रहे होंगे वाइट चेयर में, ये दोनों ऊपर बैठे हुए हैं ध्यान रखने के लिए अगर कोई मतलब डूब जाता है या अगर कोई इश्यू होता है तो थोड़ा ऊपर उठ के बैठते हैं ये लोग। और चेरी को उतना ट्राई किया लेकिन ये लड़की एक ही बार गई और फिर गई नहीं, और पेरेंट्स को इन लोगों ने वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ ऊपर बैठे हैं जैसे स्टेडियम में स्टेप्स होते हैं ना वैसे ऊपर की तरफ बने हुए थे और सारे पेरेंट्स वहाँ बैठे थे। देखना नीचे देख रही है कि वो कितना है उस टाइम। जंप मारवी जंप। ट्रेनर इनके इतना ट्राई कर रही है लेकिन ये दोनों लड़कियां तो वहीं बैठी गई नहीं, ये दोनों नहीं गिर रही है, बेचारी की क्लासमेट है। ये सिमेट्री है कब्रिस्तान और यहाँ पर लोग कब्रिस्तान के आसपास घर बनाने को लकी मानते हैं, जो हमारे इंडिया में जस्ट अपोजिट होता है। हमारा जो प्लान था रॉक्स फॉर्म वाला वो कैंसिल हो गया, अभी हम जा रहे हैं ट्रेडर जो, क्योंकि हम बना रहे हैं आज घर पे होममेड पिज्ज़ा और मैदा की जगह हमने आज आटा यूज़ किया, देखते बनता है नहीं, तो उसके लिए हमको चीज़ लानी है तो आज चीज़ लाएंगे और चेरी अगर कल अच्छे से करेगी तो कल हम जाएंगे रॉक्स फॉर्म। तो आज मतलब हाँ ये दो बार कल से उसने बैटर किया, दो बार ही अंदर गई है क्योंकि पहले तो पानी से बहुत डर रही थी लेकिन आज अंदर गई है, तो कल देखते हैं लड़की कल जाती है या नहीं। चलते हैं ट्रेडर जो, जो मेरा फेवरेट ग्रोसरी स्टोर है। तो ट्रेडर जो था लेकिन शॉप राइट आ गए हैं, शॉप राइट सुनते हैं दोनों पोते। यहाँ तो बहुत सारी चढ़ार चीजें, ये भी चढ़िए शाप चढ़ार है, ये वाली चढ़ार है। चीज यू लाइक, कौन सी चीज पसंद है आपको? Why? Favorite. कितना बड़ा बिल है चेरी? इतना बड़ा बिल और लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज। जैसे आपने देखा कि यहाँ सेल्फ चेकआउट भी होता है लेकिन ये वही स्टोर है शॉप राइट जहाँ पर दो इंडियन स्टूडेंट पकड़े गए थे शॉपलिफ्टिंग के लिए, कि मतलब वो सेल्फ चेकआउट में उन्होंने कुछ चीज़ों का पेमेंट किया और कुछ चीज़ों का पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होते हैं, अगर आप ऐसे करके भी चले भी जाते हो ना तो ये लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते, और शॉप राइट तो सबसे ज़्यादा अवेयर रहते हैं इन चीज़ों के लिए। बाकी वॉलमार्ट कॉस्को सब में चेकिंग होती है यहाँ पर, और कॉस्को में तो प्रॉपर बिल की चेकिंग होती है, वॉलमार्ट में और शॉपराइट में बस ये लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन शॉपराइट बड़ा तेज़ है मतलब पकड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ कभी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग अवॉइड करते हैं सेल्फ चेकआउट, लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ थी तो हमने सेल्फ चेकआउट कर लिया, बाकी हम लोग काउंटर पे ही पे करते हैं क्योंकि गलती से भी कभी कोई एक चीज़ भी रह गई तो फिर थोड़ा डर लगता है। तो बस हम घर जा रहे हैं और 8 बज चुके हैं। पिज़्ज़ा हम आधा रख के आए थे और बंद करके आ गए पिज़्ज़ा डब, अब देखते हैं पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनने में। तो आ गए हैं हम लोग घर और अब मैं दिखाती हूँ पिज़्ज़ा हमारा कैसा बना है। आटे वाला थोड़ा टाइट हो गया है तो मैंने उसमें घी लगाया है, देखते हैं। ये एक बनाया है, अंदर है, हो रहा है वाला बंदर बैठा है हमारा ये पिज़्ज़ा खाने के लिए। जे आटे का पिज़्ज़ा बना के मुझे यही समझ आया है कि ये मैदे का ही बन सकता है बेस, मैदे का मैंने पहले बनाए थे पाव काफ़ी अच्छे बने थे तो मुझे लग रहा है आटे में थोड़े इशू है। तो चेरी यहाँ हमारे पिज़्ज़ा खा रही है बड़े मज़े से, मज़ा आ रहा है? हाँ। अच्छा बना है? दांत भी टूट गया, दिखाओ दांत अपना। वाह थैंक यू। तो हाँ ये ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है खाने में,
मैंने थोड़ा सा डव बना था तो मैंने दो तीन डव ऐसे पाव जैसे बना दिए, तो ये भी उसके साथ ही मैंने चीज़ जब गर्म हो रही थी तो ये भी वहीं पड़े थे और इतने ऊपर से इतने टाइट हो गए ना बाटी जैसे, तो मैं सोच रही थी कि इसको पाव जैसे चाकू से काटती हूँ, तो मैंने अपनी उंगली काट ली तो नाखून के ऊपर नाखून भी कट गया है थोड़ा सा, तो ठीक है इतना नहीं दर्द हो रहा है, मतलब दर्द तो हो रहा है पर ठीक है। तो आज हमारा यही हमारा आज का दिन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।